आइए जोड़कर लिखें, बस पर मत चढ़, इस रथ पर चढ़, नल पर जल भर, नल पर जग रख, खत पढ़। यह खत, तो देखिए ये जो है मैंने यहाँ से देखकर लिखा है, तो मैंने कॉपी में क्यों लिखा है? कॉपी में लिखने का कारण क्या है कि मैंने ये देखिए, बस पर मत चढ़, इस रथ पर चढ़, तो मैंने यहाँ दे करके, क्योंकि हमें फ्यूचर में कॉपी में ही लिखना सीखना है। और इसमें जो पतली वाली लाइन है ये मोटी वाली है और ये पतला, इसमें गैप बड़ा है, कम गैप है, तो इसके अंदर लिखा है क्योंकि आप छोटा छोटा लिखना सीखो। ओके, और कॉपी पे अगर आप अच्छी तरह से लिख लेते हो देन आप अच्छी तरह से आप कर सकते हो। ओके, अब मैंने लिखा कैसे है देखिए, यहाँ पे लाइन छोटी सी ली है, देन ब लिखा है, उसी साइज़ का मैंने स लिखा है, उसी साइज़ का प लिखा है, प इतनी बड़ी है तो ये छोटा सा प र म त चढ़ चढ़, इस रथ पर चढ़, नल पर जल भर, नल पर जग रख, खत पढ़, यह खत मत पढ़, अब हट मत कर, चल दस तक पढ़, घर पर चल, सब सच सच कह, अब लड़ मत, चल फल चक। तो ये आपके बुक में भी है, देखिए ये सेम आपको यहाँ देखकर लिखना है, बट बुक में लिखने से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि पेंसिल जो है बहुत अच्छा नहीं चलता है, डार्क पेंसिल होनी चाहिए आपके पास, देन आप बुक में अच्छी तरह लिख सकते हो, नहीं तो आपकी हैंडराइटिंग ख़राब हो जाती है और हाथ पे प्रेशर आती है।